एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। वो सब जो पाकिस्तान में देख रहे हैं और वो सब जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक। चलें ईद मनाते हैं खुशियों के साथ, चलें ईद मनाते हैं मुस्कुराहटों के साथ। क्यों? क्योंकि पूरा साल तो हमने सोच फिक्र में गुजार दिया, पूरा साल तो हमने महंगाई के ग्राफ को ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर चढ़ते हुए देखते ही गुजार दिया। तो अगर चंद लम्हात आपने खुशियां मनाते गुजार दिए तो इसमें क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं भाई। वैसे आपस की बात है, आपके बजट के बाद तो सिर्फ मुस्कुराहट पे टैक्स नहीं, बाकी तो हर चीज़ पे टैक्स है। छोड़ें भाई, हम भी किन बातों पे लग पड़े भाई। यही वक्त है, वक्त से याद आया। लोग अक्सर कहते हैं वक्त बदल गया, लेकिन मुझे लगता है वक्त नहीं बदलता, लोग बदलते हैं। अब देखें ना, पहले ईद ऐसे होती थी कि लोग जाते थे अपने चाहने वालों के पास, अपनी फैमिली के पास, मिलते थे गर्म जोशी से। लेकिन अब चांद रात के दिन एक चांद रात मुबारक के मैसेज से ही बात बन जाती है, और उस मैसेज पे भी जो कि फॉरवर्डेड होता है, पहले सेंडर का नाम नीचे लिखा होता है। तो भैया अगर फॉरवर्डेड मैसेज ही भेजना है तो पहले सेंडर का नाम ही हटा दो। चले जी छोड़े, हम भी किन बातों पे लग पड़े, खुशियाँ मनाते हैं। हमें लगता है कि खुशियाँ मनाना भी एक आर्ट है, और ये फनकार जो इस आर्ट को बखूबी निभाए वही जीता है असल जिंदगी। जब बात हो रही है फनकारी की, आर्ट की, तो पाकिस्तानी सिनेमा और पाकिस्तानी ड्रामों की कैसे बात ना हो। जी हाँ, आपने देखा कि पिछली ईद पे पाकिस्तानी सिनेमा ने आपको दिए 4 बड़े तोहफे। इस ईद पे भी आपको मिलेंगे 3 बड़े तोहफे। जी हाँ, बड़ी ईद पे 3 बड़े तोहफे। तो हमने सोचा कि अगर हम बड़ी ईद का शो कर ही रहे हैं तो फिर आपको मिलनी चाहिए ना बड़ी ईदी। तो बड़ी ईदी क्या होगी, तो फिर सुनते जाइए। बड़ी ईद की बड़ी फिल्म की बड़ी कास्ट को हमने इस बड़े से शो पे बुला के रखा हुआ है, लेकिन बड़ी ईद की बड़ी फिल्म की बड़ी कास्ट की एंट्री भी बड़ी होनी चाहिए। एक बार फिर आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। हाँ जी, तो फिर देखा ट्रेलर कैसा लगा? भाई इस ट्रेलर को देख के तो एक ही एक्सप्रेशन आता है, और वो है क्या बात है भाई, ट्रेलर की स्क्रीन तोड़ ट्रेलर। हाँ जी, लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे, और अफसोस इस बात का है कि जो सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए रख रहा था वो सरप्राइज तो आप लोगों को पता ही चल गया कि मेरे स्टार्स कौन हैं। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी सी एंट्री करूंगा जरूर। तो मेरे हीरो भाई, हीरो के बारे में क्या कहूँ, जब वो कहते हैं सोच लो तो लोग काम छोड़ के सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। भाई जब उन्होंने एक्टिंग की तो क्या तो एक्टिंग की। मैं अब्दुल कादिर हूँ, एक तमन्ना ला हासिल सी, और कंकर जैसे बड़े बड़े ड्रामे देखे उन्होंने अपने पैर जमा लिए। पैर जमाने के बाद उनको ड्रामा में इतना मजा आया कि बन गए ड्रामा प्रोड्यूसर। ड्रामा प्रोड्यूसर क्या बने ही थे कि उन्होंने राज करना शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री पे, और राज ऐसा किया कि छोटी स्क्रीन पे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपस की बात है, बड़े पापड़ बेलने पड़े उनको शो पे लाने के लिए। तो भाई आप सबकी भरपूर तालियों में, नहीं नहीं नहीं, उनके साथ आ रही है हमारी हीरोइन, मेरी हीरोइन क्या, पूरे पाकिस्तान की हीरोइन, एक बेहतरीन अदाकारा, एक बेहतरीन फनकार, एक बेहतरीन इंसान। भाई पाकिस्तान में तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे भी जाके उन्होंने कायदे आजम का झंडा किया बुलंद। सुनने में आया है इनकी फिल्में 100 करोड़ कमाती हैं उससे भी ज्यादा। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। वाओ वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। थैंक यू। And ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। क्या हैंडसम आदमी है भाई, क्या हैंडसम। मैं मायरा से आया यहां कैमरा पे, मैंने कहा एक हसीन हीरो तुम्हारा, आज दोनों एक साथ हैं। हां, सो पुगम करते हैं, देखते हैं अगली फिल्म कौन करेगा किसी के साथ। इसका मतलब है हम तीनों साथ करेंगे। ओ अच्छा भाई, आप लोग यहां खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठे बैठे यहां बैठे भाई। मैं एक्साइट हो गया, आप लोग आए तो भाई आपकी सितारों की चमक में मैं बिठाना भूल गया। प्लीज हैव अ सीट। तो भाई सबसे पहले तो ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। एक्चुअली तो प्यारे आप लग रहे हैं, हम तो बस आपकी रिफ्लेक्शन में। भाई शमो आ गई, शमो आ गई। एक सवाल पूछूंगा आप दोनों से। आप दोनों क्या यूजुअली कलर कोऑर्डिनेट करते हैं रात को फोन करके? I don't know, that's a thing. पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है, so maybe we are like we both turn up or हम लोग we're like oh you're wearing black and white, oh I'm wearing black and white. But that's amazing. मतलब synergies मिल गई है ना? Synergies हाँ मिल गई है। मतलब आपकी wavelength जो है वो same चल रही है। हाँ शेरी। क्या बात है यार, I'm really looking forward to this film. जब ये होता है असल में, जब ये होता है
कि आपकी वेवलेंथ इतनी एक दूसरे से मैच हो, तब फिर नजर आना शुरू होती है। बस अल्लाह करे लोगों की भी जो है वेवलेंथ हमारे साथ मैच कर जाए, हमारी और तो लोगों को भी नजर आना ऐसा नजर आएगा। तो भाई आज नजर आएगी, आज तो रिलीज हो गई है, ईद का पहला दिन है। एक्साइटेड? एब्सोल्युटली यस, नर्वस एंड एक्साइटेड। नर्वस एंड एक्साइटेड? भाई आप दोनों तो अभी मंजे हुए फनकार हैं, अभी तो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए यार। नहीं, बिकॉज यू सी मेरी फिल्म 4 साल के बाद आ रही है, तुम्हारी भी 4 साल के बाद ही आ रही होगी। मेरी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। मेरी 3 साल के बाद है ना। I love that expression. What? मतलब परे हार्ट केम आफ्टर JPN एंड लोड वेडिंग। बट मुझे एक बात बताएं फादी, ऐसे ऐसे ही जुल्म करती है आपके साथ? बिकॉज ये मेरे साथ तो बहुत जुल्म करती थी। अल्लाह, ये अपने सारे हीरोज को जो है ना जालिमा। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन पे कोई जुल्म नहीं किया। कोई जुल्म नहीं किया? मुझे हीरो ही नहीं समझा तो क्या? नहीं नहीं, ओ माय, अच्छा ये बचा के रखें, ये बचा के रखें, आज बहुत मजे का एक सेगमेंट होने वाला है, उसके लिए ये सारा मवाद बचा के रखें। लेट्स सी सर। बट खैर मुझे बताएं सर, आप बता रहे थे कि आप नर्वस नहीं? नहीं मैं नर्वस हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। 4 साल के बाद फिल्म आ रही है, बिकॉज लास्ट टाइम 2 एक साथ आई थी और उसके बाद फिर ऐसी नजर लगी कि कुछ भी नहीं हुआ, तो अब हमने कहा कि एक तो आ जाए किसी तरीके से। So because you see this film is very very close to my heart in a way that मैंने कभी action film की नहीं है और इस level की film हमने नहीं की है। So I hope कि people really like it because the reviews are amazing and everybody is loving it. तो कोशिश यही है कि producers भी बहुत ज़्यादा खुश हों, because I'm really happy. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का I am happy because जब आप कोई अपनी चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि आप उससे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और आपको लगता है अच्छा मेहनत की थी और निकल के आया, rest is you know, he thinks it's the best film of his career. Yeah, wow. And I agree. Yeah. And you agree? It is his like it's bhai aap sun rahe hain, aap log sun rahe hain ghar pe baithe, Fahad Mustafa keh rahe hain ki unke career ki best film lagi hui hai, to aap ghar pe kyu baithe hain bhai, jaye ticket le aur jaake film dekhein. So is that true though? Matlab what she's saying, you think it is? I don't know, she's saying, ask her. You think so also? No, I to do, but if somebody else is telling you, a superstar like Myra is telling you, kuch to usme sachai hogi na. Kuch to usme sachai hogi. Nahi, I'm super excited because the trailer looks amazing. Mashallah, bahut khoobsurat trailer. Sabse maze ka tha wo dance tha aap logon ka. Thank you. Karwaunga main message aapse. Haan ji, karwaiyega. Hum ready hain. Ji ji. Hum ready hain. Acha mujhe bataye ki aap promotions pe jab jate hain, I'm sure ab to film lag gayi hai, aap logon ka heavy promotions rahe honge. कितने दिन की प्रमोशन की आपने? इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस यू नो प्रमोशंस, बिकॉज आफ्टर ईद आल्सो वी आर सपोज टू ट्रैवल और हमने अमेरिका जाना है, हमने वहाँ पे प्रीमियर्स हैं हमारे, सो प्रमोशंस आर एक्चुअली यू नो एक बिल्कुल ही हेक्टिक तो है ही साथ साथ में, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। फिल्म के बाद एक नई फिल्म शुरू हो जाती है आपकी जिंदगी में। दैट्स सो ट्रू। हां, इट्स जस्ट लाइक I mean it's fun but it's also very tiring, right? But it's also a way to relive the entire film. आपको उस 15-20 दिन में पूरी फिल्म याद आती है फिर, जो एक साल पहले शूट की होती है आपने, और एक और तरह की बॉन्डिंग भी हो जाती है। बॉन्डिंग भी हो जाती है। That's what happens, you know? अच्छा वैसे बड़े मजे के किस्से भी होते हैं प्रमोशंस पे, I've, you know, we've all experienced. तो मुझे बताएं कोई आपके अगर मजे के कोई किस्से रहे हो, कोई इंटरेस्टिंग फैन एनकाउंटर या कोई मजे की बात। मायरा के सारे फैंस मायरा के हैं। इस दफा मजे की बात यह है कि जो भी इंटरव्यू करने आता है ना, वो ऐसे सवाल होते हैं कि तो मायरा आप जलवा अफरोज हो रही हैं, आप भी हो रहे हैं। और जलवा फिरोज मत नहीं, जलवा अफरोज यार। और क्या कह रहे थे वो? पता नहीं मतलब वो आप लोग साथ अफशां होंगे और पता नहीं क्या होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। बताएं तो उसके अलावा कोई मतलब बताया ना फिर, कोई इंटरेस्टिंग ऐसा ही कोई वाकया मतलब सुनाए, आई एम श्योर ऑडियंस सुनना चाहेगी। सर ऑडियंस को हम क्या बताएं, बस गेम ये है कि हम अभी गए थे एक जगह, हमने परफॉर्म भी किया, सो वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक कि हो गए 500-600 लोग होंगे, वहाँ पे कोई 8,000 लोग थे, 9,000। सो मैं और मायरा जो थे वो लोग एक्साइटेड थे, हम बर्बाद थे। एंड शी वॉज आस्किंग मी व्हाई यू सो काम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं अंदर से जो इस वक्त चल रहा है ना मामला, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। No, but you're used to this. आपका तो माशाल्लाह क्राउड बाउट, because with जीतो पाकिस्तान, you know. But I don't dance in front of people, ना मतलब that's a different ball game altogether. You know, आप जाके अचानक से, and then you if you miss a beat, तो वो भी तो एक मजा है. Which I missed. No, which actually I missed a beat, और ये मुझे बता रही थी कि ये okay, तो ये वाला था. भाई देखें इस टाइम पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो फिल्म आप इतने आराम से बैठ के देखते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अभी फहद ये कह रहे थे और मायरा ने भी ये बात को सेकंड किया कि इफ़ यू मिस अ बीट
उसका मतलब समझते हैं, मतलब अगर कोई भी गाने में अगर 16 बीट होती है तो एक बीट ऐसे एक लम्हे में निकल जाती है, तो वो कह रहे हैं अगर एक लम्हे के लिए भी हम स्लिप कर जाते हैं तो अभी तक उनको वो बात याद है। तो भाई फनकार बनने के लिए इतनी डेडिकेशन चाहिए होती है, इतनी मेहनत चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक दफा फिर आप सबको ईद मुबारक। मेरे साथ हैं फहद मुस्तफा और माहिरा खान। भाई मैंने कहा थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ा है इसलिए मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कुछ फन करें, मजे मजे की तो हमने बातें कर ली, मीठी मीठी बातें कर ली, अब थोड़ा मजा कर लें। क्या मजा? तो क्या मजा मैं बताऊंगा ना, आप बस बिस्मिल्लाह करें, नियत बांधें, बाकी सारा मजा मैं कराऊंगा। हम करेंगे अपना पहला सेगमेंट, एक सीटी आपके लिए और एक सीटी आपके लिए। कह रहे थे नहीं आती बजाना, नहीं आती ये वाली आती। अच्छा ये सच की सीटी है, वो वाली किस चीज की सीटी है? ये खुशी की सीटी है, जबरदस्त। तो भाई आप दोनों को मैंने दे दी है एक एक सीटी। हम करने वाले हैं जाके, हम जो करने वाले हैं सेगमेंट उसका नाम है सीटी बजा तुम्हारी नजर से। तुम्हारी नजर से क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा आप दोनों से सवाल, आप बोलेंगे पिछले सेगमेंट में भी सवाल पूछे, इसमें डिफरेंट क्या होगा, लेकिन हम जब पूछेंगे, ट्रस्ट मी, नहीं पूछेंगे। चले ओके गुड, अच्छी बात है, आई लाइक होस्ट लाइक दिस। जब मैं फहद से सवाल पूछूंगा तो फहद बनेंगे माहिरा और जवाब देंगे एज माहिरा, और जब मैं माहिरा से सवाल पूछूंगा तो वो बनेंगी फहद और जवाब देंगी एज फहद। ओके, फहद विल यू नो लुक अ लिटिल इंटेलिजेंट दिस टाइम। लेकिन आप दोनों के पास है सीटी, जब वो बनी होंगी माहिरा और जवाब दे रही होंगी और आपको लगा ये जवाब सही नहीं तो मैं बजाऊंगी, तो आप बजाएंगी सीटी क्योंकि यह सच की सीटी। तो मैं माहिरा हूं। स्लो डाउन, अगर आपकी सीटी बजी तो पॉइंट हुआ आपका, इसका ये मतलब है कि उन्होंने पॉइंट लिया नहीं। एंड में देखेंगे किस पे बजी ज्यादा सीटी, वो हार जाएगा, जीतेगा वो जिस पे बजेगी कम सीटी। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। I'll let you win. तो फिर शुरू करें। ओके, तो पहले कौन शुरू करेगा? तो मैं माहिरा हूँ ना। ओके, सो फहद बनेंगे माहिरा। ठीक है जी, सवाल देखते हैं। मैं सबको पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवाल मैंने देखे हुए नहीं है, तो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो पीछे कैमरा के जो आपको नजर आ रहे हैं उन्हीं को आपने पकड़, जो अभी मुंह छुपा रही हैं उन्हीं को आपने पकड़ना है। okay. पहला सवाल है फहद साहब से, मेरी एक मिनट, मैं कौन हूँ? मैं आप, मैं मुझे माहिरा बोलो ना। ओके, आई लाइक इट, मेथड एक्टिंग, वेरी नाइस। ओके, पहला सवाल है माहिरा जी से। माहिरा जी बड़ी हसीन लग रही हैं आप, आपको देख के तो मेरी सीटी निकल रही है। पहला सवाल पूछूंगा आपसे, मेरी विकिपीडिया पे उम्र बिल्कुल मुनासिब है? नो नॉट रियली। अच्छा, पहले ये गेम शुरू करने से पहले हाथ खड़ा करें और बोलें जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और जो भी बोलूंगा 50 अल्फाज से ज्यादा मैं बोलूंगा। अगेन, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी। I love it, method acting. और मैं 50 लफ्जों से ज्यादा का इस्तेमाल करूंगी for a change, very nice. Okay, माहिरा जी, तो फिर मुझे बताइएगा मेरी विकिपीडिया पे उम्र बिल्कुल मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं तो चाहती थी कि मैं अपनी सही उम्र बता दूं, बट देन सब झटका आ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताई। थोड़ा और मुनासिब कर लें उस उम्र को। I think yes. Yes, okay, all right. Fahad, what do you think? Yes, I think that she's absolutely right. She's absolutely right. Okay, all right. Sahi jawab. Very nice. 1 point, Fahad. Agla sawal poochte hain Maira ji ke liye. Qaid-e-Azam ke crew mein, meri Qaid-e-Azam Zindabad ke crew mein, meri in se kaafi baar behas ho jati thi. नहीं, माहिरा जी आप ये क्या हेल्प तो नहीं ले सकती, ये आप, मैं बताऊंगी। हाँ आप बताएंगे। ओ अच्छा, मैं भूल गई ना। नहीं, हमारी कभी बहस नहीं हुई। जो ये कहते थे मैं उस पर ईमान ले आती थी, यही था बस। और सब कर लेती थी। ऑफ कोर्स, आपने लूटा रे नहीं देखा? इनसे और सबसे बहस नहीं हुई, किसी से नहीं हुई, सिर्फ ये बताते थे और जो कहते थे वो हो जाता। ये बता दे, किसी से भी सेट पे बहस हुई कभी? मैं सिर्फ फहद के बारे में बात कर रही हूँ इस वक्त। ओहो, अच्छा आप सिर्फ फहद के बारे में बात करेंगी? यस प्लीज, आज भी और हमेशा, मतलब जब तक। ओके वंडरफुल, आई लाइक दिस, गुड। हाँ जी फहद जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह। ओके, दो सही जवाब, आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज नॉट फेयर। अच्छा नहीं भाई, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, सीटी बजा सकेगी। मैं सही कह रही हूं, सीटी आपकी, हवा आपकी, बजाएं आप। नहीं, मगर ये सच की सीटी है शेरी। अच्छा, सच की सीटी है। ओ वाह,
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, मैं बचपन से पुलिस वाली बनना चाहती थी। मैं बचपन से पुलिस वाली बनना चाहती थी। नहीं, मैं फौज में जाना चाहती थी और फिर मैं गई और फिर मैंने प्रूफ भी किया। ओ, पहला गलत जवाब। मैंने लिया फौज बन के। फिर सीटी। ओके ओके नाइस। सो फाइनली भाई हमारे पास स्कोर हो गया है 2-5 मुस्तफा 1 मायरा खान। प्लीज कोई और स्कोर रखें क्योंकि बहुत मजे के जवाब है। मैं स्कोर नहीं, मैं रख रही हूं स्कोर। आप रख रही हैं? ओके, जबरदस्त। गुस्सा मुझे सिर्फ इस बात पर आता है कि मैंने फहद के साथ पहले काम क्यों नहीं किया। ओ वाओ, ओके वाओ। तो फिर इसी बात पे अगला जवाब भी दे दे मुझे। मुझे फिल्म इंडस्ट्री के ये हीरो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ऑफ कोर्स फहद ही लगते हैं मुझे। वाओ वाओ, और कौन है खूबसूरत? मायरा खान। वाओ, व्हाट एन एक्सपोज़े मायरा खान। मैं तो फहद मुस्तफा से पूछा, फहद मुस्तफा क्या लगता है आपको? मायरा खान क्या कह रही है? उसने सीटी नहीं बजाई, ये लगता है उनको। आपको शर्म नहीं आ रही फहद मुस्तफा? मैं इससे पहले वाले हम आ गई फहद मुस्तफा को। इससे पहले वाले पे भी मैं सीटी बजाने वाली थी मगर आपने, बिकॉज मुझे लगता है हमने बिल्कुल एग्जैक्ट राइट फिल्म राइट टाइम पे काम किया। राइट फिल्म राइट टाइम, आई स्वेयर। ट्रू। अच्छा, आप फहद हैं, आप भूल रहे हैं मेथड, मेथड फहद मुस्तफा। हां, तो मैं यही तो कह रही हूं, यही तो ये कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, मुज़क्कर मोनस नहीं कह रहा हूं। गॉड, मैं, अच्छा सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्त उन्हीं को मानती हूं, मैं दोस्त उन्हीं को मानती हूं जो मुझे सच बताते हैं। जो मुझे सच बताते हैं? यस। वाओ, नाइस। और वो इज दैट ओके फहद मुस्तफा? Absolutely. सीटी नहीं का क्या मतलब है भाई? मैं मेरा काम है चेक करना, मेरा काम है चेक करना। हां, तुम्हारा फॉर्मेट है, देखो यार। हां यार, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है यार? यार कम ऑन। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है जब 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 फहद हंसाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा हंसी आती है जब मैं, ये फहद नटखट होते हैं। क्या क्या? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा ये हंसी आती है सोच सोच के कि मैंने पहले सारी फिल्म्स क्यों मना की थी। मैं हंस पड़ती हूँ। There is no way. सीटी फहद मुस्तफा, सीटी। आप सीटी बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। Okay, there is no way I can drop this. By the way, I love this show. Look at what he's doing. Look at what he's doing. Look at what he's doing. In Fahad Mustafa's head. Who is he? Fahad Mustafa, don't break character. Allah, please. In Fahad Mustafa's head, I am this. This. Bhai, that's my way of doing it. A little caricature. Ah, it's nice. No, I like it. Achha, achha, aakhri sawal, aakhri sawal. Good. Main aksar apne doston ko yehi mashwara deti hoon. Aapne Fahad Mustafa ki filmein dekhi? I love it. हाँ जी फहद मुस्तफा, ओके, ऑल गुड टू गो। ओके, वेरी नाइस। बिग हैंड जी, बिग। ऑलराइट, चलें जी, बहुत 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 बखूबी निभाया कैरेक्टर आपने। सिर्फ 3 सीटियां बजी। कहाँ 3 बजी? 3 सीटियां तो बजी, 1 बजी भाई। इंसाफ भाई, इंसाफ। ओके जी, सो मायरा एज फहद मुस्तफा, तैयार हैं आप? गहरी सांस लें। हाँ भाई, जब आप सांस लेके फारिग हों तो आप फहद मुस्तफा के कैरेक्टर में हो। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। पहला सवाल, खूबसूरत खवातीन के नंबर मेरे पास अक्सर इन नामों से सेव होते हैं। किधर 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 फहद मुस्तफा, इधर देखें। ये क्या भाई जवाब देने से पहले सीटी? क्यों सीटी मार? सवाल ही गलत है। सवाल ही क्या गलत है? गलत खवातीन नहीं है या नंबर नहीं है? नहीं नहीं, आप जवाब दे। आप भाई ऐसे ना करें, भाभी जी देखिए। मुझे लगता है कि इनकी, हाँ, सबसे पहले इनकी बीवी। हाँ, फिर मैं। तो भाई ये जो नटखट हो रहे थे, इसका बदला कौन लेगा? घर पे भी तो जाना है ना इनको। तो जवाब दें, जवाब दें फहद मुस्तफा जी। नहीं, क्या बात है भाई, मोहब्बत से जीतेंगे ये। क्या बात, मोहब्बत से जीतेंगे। गुड, आई लव इट। चलें जी फहद मुस्तफा, अगला सवाल आपके लिए। शूट पर अक्सर लोग मुझसे इस बात पे नाराज हो जाते हैं, आवाज भी तो बनाएं। हाँ फहद मुस्तफा, ये क्या टाइम आउट की सीटी थी? ये क्या टाइम आउट हो गया? मुझसे वैसे शूट पे कोई नाराज नहीं होता। तुमसे कोई नाराज नहीं होता? नहीं। वाओ वाओ वाओ, अच्छा है या नहीं? ट्रू। या
सेट पे कोई नाराज नहीं, इसकी कोई, इसकी सेट के बाहर होते हैं। अच्छा, इसकी कोई हाँ, सेट के बाहर मुझे कोई पसंद नहीं करता। सबको मोटर बाइक मिल जाती है? सबको मोटर बाइक नहीं मिलती, मगर नहीं, मैं फिल्म सेट की बात कर रही हूँ। कर रहा हूँ सॉरी मुस्तफा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मायरा जी से नहीं। अच्छा भाई, फहद मुस्तफा जी मुझे देखें, प्लीज स्टे इन कैरेक्टर। अगला सवाल आपके लिए। मैं फहद मुस्तफा हूँ जी, मैं आपको नहीं देखूंगा फिर। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस, आई लाइक इट। ओके ओके, इस पे सीटी नहीं बजेगी? नहीं, ये बिल्कुल सच, ये बिल्कुल सच है। चले ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। मेरी अपनी को आर्टिस्ट से ज्यादातर मेरी एज कम होती है, ज्यादातर मेरे को एक्टर से मेरी एज कम होती है प्रोजेक्ट्स पे? नहीं, आसपास होती है। आसपास होती है, ओके चलेगा। या ऑलराइट, वंडरफुल। अगले सवाल पे फहद मुस्तफा जी, सोशल मीडिया के लिए कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। सर क्या क्या आगे सर क्या सर आगे sir. सर के बाद पैर भी सर, क्या मतलब तुम क्या? कह रही हो ना कि मैं फहद मुस्तफा हूं। हाँ। तो ये ओके, वेरी नाइस, ओके आगे आगे। अगला सवाल हुमायूं, अगला सवाल फहद मुस्तफा जी, हुमायूं सईद और मुझ में ये बात बहुत मिलती जुलती है। इधर 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 फहद मुस्तफा जी, क्या कर रहे हैं? हमारी फिल्में करोड़ों का बिजनेस करती हैं। वाओ वाओ, क्या बात है, तालियां तालियां। लड़कियां सीख गया लड़का सीख गया। ओके, अगला सवाल, इंडस्ट्री में मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है? यहाँ पता चलेगा फहद मुस्तफा, डिप्लोमेसी का कोर्स, आगे बताएं। मुझे नहीं पता who's your favorite। इधर इधर भाई, क्या डोंट ब्रेक कैरेक्टर फहद। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे तो ना करें सर। मुझे लगता है शायद तो नहीं, फहद मुस्तफा को तो बड़ा शोर शॉट लगता है हमेशा, ऐसा मुझे लगता है, सॉरी सर। महविश, oh my god, who is it? CT बज गई। I only love Mahira Khan. Oh wow, wow, cool. Sorry, change my answer, Mahira. Okay okay, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तीन सवाल रहते हैं आपके, गौर से सुनिएगा। मेरे नजदीक अवार्ड शोज की अहमियत ये है सर। इधर 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 फहद मुस्तफा जी, बताएं क्या है? मैंने तुम्हें बताया भी था फहद। ओके, जब अवार्ड मुझे मिल रहा है तो एक्सलेंट, तो डबल, तो नहीं तो गुड है, तो गुड है, तो गुड है। ओके, और नहीं तो फिर दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग। जाय सर, एब्सोल्युटली, ऑलराइट, वंडरफुल, ऑलराइट। फहद मुस्तफा जी, आपके लिए आखिरी सवाल, मेरे इस हिडन टैलेंट का किसी को नहीं पता। क्या हो रहा है, जल्दी करें फहद, क्या हो गया फहद? सर मैं मारा, तुम बताओ। फहद के बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। वो वाले टैलेंट बताइएगा जो हम ऑन स्क्रीन बता सके, प्लीज। छुपे हुए हैं, हिडन, तो इसलिए किसी को मैं आपको बताता हूँ अनडिस्प्यूटेडली ये राउंड जीत गए हैं असली फहद मुस्तफा। मायरा खान नहीं, जीते तो आप हैं, वो अब हो गया। सॉरी, कट, रियल मेथड एक्टर, कट बोला बहुत जरूरी है। ये कैसे जीते हैं ये राउंड? अच्छा, ये कैसे नहीं जीते हैं ये राउंड? इन्होंने अच्छी एक्टिंग की। नहीं नहीं, तो इन्होंने तो सिर्फ, इनके ऊपर तो सिर्फ तीन सीट, दो सीटियां बची ना, और मुझ पे कितनी सीटियां बजी? एक। आपके ऊपर चार सीटियां बजा दी, पहले चार। मायरा खान पे ही बजती हैं, तो इसलिए। हाँ जी, बताएं थर्ड अंपायर, ऐसे ही है, मुझे लग रहा है फहद मुस्तफा जीत गए हैं ये राउंड, बताएं जल्दी। फाइन, जीत गए फहद मुस्तफा, जीत गए। ओके भाई, थर्ड अंपायर ने बता दिया। हां, फाइनली कुछ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे एक और मजे का सेगमेंट, बहुत मजा आ रहा है फहद मुस्तफा और मायरा खान के साथ, कहीं नहीं जाएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
मुझे जरा अपनी फिल्म के बारे में बताएं। यार फिल्म जो है बहुत ये वो टाइम है, मैं रोकूंगा आपको, ये वो टाइम है जब आप अपनी फिल्म बेचेंगे। इट्स अ म्यूजिकल। आई विल गिव यू गाइस द स्क्रीन, मैं आप लोगों को स्क्रीन दूंगा एक मिनट के लिए, नहीं एक नहीं, चले आप जितने मिनट लेना चाहें। नहीं नहीं दूंगा, आप ऑडियंस को बताएं कि व्हाई दे शुड कम, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, व्हाई दे शुड कम एंड वॉच कायदे आज़म सिनेमा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ ए इट्स एन एक्शन फिल्म, बी इट्स अ कॉमेडी फिल्म, सी देयर इज ड्रामा आल्सो, देयर इज ट्रेजेडी, देयर इज इमोशन, रोमांस, और गाना बजाना, डांस गाना बजाना, एंड इट्स अ म्यूजिकल। इट्स अ म्यूजिकल, यू गाइस सेड दैट ट्वाइस बाय द वे। हां यू गाइस सेड दैट ट्वाइस। Yeah, I know, we're just joking. It's not a musical, obviously. Yeah, I love this. मतलब इन लोगों के इनके inside jokes भी चल रहे हैं। हाँ तो यही तो होता है। No, this is amazing. This is so good to see. क्योंकि हम लोग जब दिन में 10 interviews देते हैं, तो कभी-कभी हमारा दिमाग भी off काम करने लगता है। तो कभी-कभी हम एक action packed film को musical बोल देते हैं। अच्छा आप मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू में सोचा, मैं कहूंगा इट्स अ पैरेलल सिनेमा की और आप सो बाय द एंड ऑफ द आपको सब पता लगेगा, हर तरह का जॉनर आपको मिलेगा। नबीला सजेस्टेड व्हाई डोंट यू जस्ट से इट्स अ फुल ऑन इंग्लिश हॉलीवुड। या दैट्स अ गुड सेल्स स्ट्रेटजी एज वेल। व्हाई 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 शुड वी से दैट, वी शुड से इट्स अ फुल ऑन पाकिस्तानी एंटरटेनर भाई। एब्सोल्युटली इट इज। या भाई ये रिकॉर्ड तोड़ फिल्म होने वाली है और एक 100% शुद्ध पाकिस्तानी फिल्म। इंशाल्लाह। मायरा हमने सुना है कि इस फिल्म में आपने वो सब किया है जो आपने पहले कभी नहीं किया, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अगर ये सच है तो क्या ये आपका सबसे चैलेंजिंग रोल रहा, और अगर ये आपका सबसे चैलेंजिंग रोल रहा तो भाई ऐसा क्या था इस रोल में? बिल्कुल सच है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो पहले किसी फिल्म में नहीं की। एक इसमें मैंने बाइक चलाना सीखी है और प्रॉपर शरी आई वेंट लाइक। मेरा सवाल ये है कि वो सिखाई किसने आपको? वो मुझे वो सलामत है क्योंकि मुझे पूरा सर्टिफिकेट मिला था होमन जहां के लिए, आपको गाड़ी सिखानी पड़ी थी तो मुझे वो याद है, गाड़ी आती है और इनको दिया हुआ था ये सिखाने के लिए इसको गाड़ी चलाना। हमारा हमारे ऑफिस के साथ एक खाली प्लॉट था और हम उस खाली प्लॉट में गए गाड़ी सिखाने के लिए, और मैं आपको बात बता नहीं सकता, आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड कि अगले दो दिन मुझे नींद नहीं आई इनके साथ बैठ के, और उसके बाद वापस आके उल्टा मुझे गालियां पड़नी थी। ऐसे कोई सिखाता है, ऐसे कोई सिखाता है? तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किसने सिखाया, वो कौन है, उसको हम मेडल देंगे यहाँ बुला के। इस बार गालियां पड़ी, वो कौन है? वो नहीं, वो एक बाइक कंपनी है फॉर वुमेन, और उन्होंने मुझे सिखाया, और फिर मुझे सिखाने के बाद जब मैंने अकेली बाइक चलाई, वंडरफुल थैंक्स, तो फिर मुझे सर्टिफिकेट मिला। वंडरफुल, वेयर इज दैट सर्टिफिकेट? आई हैव इट एट होम। रियली? हां क्या बात, आई कैन राइड अ बाइक ऑन पेपर भाई। हां ऑन पेपर, सनद मिली हुई भाई। एंड बाय द वे मुझे गाड़ी चला के कोई मजा नहीं आया, मगर बाइक पे मुझे इतना मजा आया है, लाइक आई डोंट नो, इट फेल्ट सो फ्रीइंग, है ना, यू नो। अच्छा तो और बताएं उसके अलावा। अच्छा और दूसरा, फिर मैंने जानवरों के साथ काम किया। अच्छा पहले नहीं किया था क्या? Sorry, bad joke. That's debatable. That's debatable. Okay? I can tell you some animals. लेकिन ये वाली गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। आप बता रही थी कि आपने जानवरों के साथ पहली दफा काम किया। जी। Properly. हाँ। तो चूहे से लेकर proper भी नहीं था, पहले वाला जो था जानवर तो थे, proper भी नहीं था। Proper भी नहीं था। मायरा क्या फिर चलेगा इंटरव्यू? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। पहले चूहा, सबसे छोटा चूहा था, सबसे बड़ा शेर था। अच्छा शेर पे इशारा? वाह शेर पे इशारा, क्या बात यार, आई लव दिस, क्या बात है, थैंक यू मायरा, जस्ट लुक एट हाउ आई वाह व्हाट आई डू, क्या बात है। सो शेर के साथ काम किया आपने? हाँ हाँ, इन्होंने भी। ये तो शेर हैं, असली शेर की नहीं, नहीं, असली शेर ये है, शेर वेर नहीं है, शेर था भाई। अच्छा था, पुराने वाला शेर, मतलब यस यस असल शेर था, अब्बर शेर, यस यस, दोनों ने काम किया। जी जी, उसकी लाइंस भी थी, मतलब उसको हमारी लाइंस हमारे मुंह से निकलने, मेरी तो नहीं निकल रही थी उस टाइम पे, ऐसा था। ओ वाओ, ऑल काइंड्स ऑफ, वाज इट स्केरी? इट मस्ट हैव बीन स्केरी। आई वाज नॉट सो स्केयर्ड, बट कम ऑन मायरा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई मीन कम ऑन, शेर है वो भाई। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, अगर आपको कभी शेर नजर आए तो डरना जायज है, डरना जायज है, ट्रू। हाँ डरना जायज तो है, लेकिन अगर शेर, मतलब वो उसका वो भी था साथ, इस्लाम क्या, वो एक इंसान था जो उसको रोक रहा था, रोक रहा था, जाता इंसान के रूप में, लाइक यू नो, लाइक अ शेर विस्परर, लाइक अ शेर विस्परर, नाइस। बट देन वी वर्क्ड विद, एंड देन देयर इज अ होल सॉन्ग शेरी जहां हम दोनों ने प्रॉपर
डांस किया मतलब और शेर ने शेर के साथ नहीं शेर के साथ नहीं लेकिन वी हैड ऑल दीज एनिमल्स बिकॉज़ आई बेसिकली प्ले एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ओह नाइस तो जहां मुझे कोई भी यू नो आई पिक अप लाइक होमलेस डॉग किटन्स दिस दैट बर्ड्स आई हैव एवरीथिंग इन माय रूम एज अ कैरेक्टर या बट दैट मस्ट हैव कम नेचुरली टू यू यू आर वेरी जेनरली जेनरस एज अ पर्सन बिकॉज़ आई फील विद आई मीन आई एम वेरी गुड विद एनिमल्स आई हैव हैड pets my whole life by the way aapko ye pata hai baat no you never told me that acha now I'm telling you I had lovebirds I had chusas I had a dumba jo sirf mera dumba tha so what happened to you on the sets then what you were afraid of all of them no I was not afraid you were not? don't lie acha was I afraid apne hi khauf ke itne zor se main bilkul afraid nahi thi lekin thodi der baad maine kaha yaar ab main you know birds I get scared of Birds, you're scared of? Little bit. Okay, so you know. You too? Yes. The only animals that I'm scared of. It's birds. Birds. I. Acha, even snake. No, snakes oh. I'm fine with. Reptiles I'm fine with. Snakes we are living around with, so you know it's okay. Thode do teen yahan pe. I know. Yes. Do teen yahan pe. Yeah. ठीक है नहीं तो भाई भाई आप अपनी आस्तीन कस के रखा करें ना. है ना? हाँ. ऐसे ही है. सांपों से बचने के लिए. Right. आप बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस वर्किंग विद एनिमल्स यार आई वाज रियल एनिमल्स या आई एम एक्चुअली रियली स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स इट्स नॉट जस्ट कि मैं डर लगता है मुझे आई डोंट वांट टू टच एनिमल्स मेरा वो वाला थोड़ा मसला है और इसमें आई वाज वेरी यू नो वेरी फिजिकल विद देम और बहुत ज्यादा उनके साथ कडली और बहुत सारी चीजें थी तो यार इट वाज एक्चुअली जॉब एंड अ हाफ काफी मुश्किल रही मुझे यू आर स्केयर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हमने सुना है नो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ देम आई थिंक मेरे कुछ कोई दोस्त नहीं मैंने ऐसा सुना दोस्त इसलिए नहीं है बिकॉज आई थिंक आई वॉज टू बिजी आई हैव फ्यू बट आई लाइक वेरी अनकंडीशनल पीपल हु आर अराउंड मी बिकॉज जब आप एक एक्टर या एक स्टार बन जाते हैं लाइक आई लेटली हैव अ इशू विद टेकिंग पिक्चर्स इवन माई फैमिली डोंट लाइक मी एनी मोर दीज डेज बिकॉज यू नो मेरे अब्बा भी अगर फ़ोन निकाल लेते हैं तो मुझे मैं यूँ हो जाता हूँ कि ये क्यों निकला फ़ोन तो अगर फ़ोन आप नहीं निकालेंगे और आप वैसे मुझसे प्यार की जो भी आप बातें करनी है आप कर लें तो वो कहीं ना कहीं दोस्ती या कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है ना एंड दे आर राइट उनका भी एक हक बनता है आपके साथ रहते हैं वो आपको शायद उस कैपेसिटी में नहीं भी कर रहे होते वो आपसे प्यार में कर रहे होते बट आपका एक फंसा हुआ है ना एक एंगल जो वहाँ पे तो उस चक्कर में बट आई एम वर्किंग ऑन दैट और इनफैक्ट अभी द अदर डे आई वॉज डूइंग दिस इंटरव्यू सो आई सेड आई डोंट हैव फ्रेंड्स आई एक्चुअली टेक्स्टेड ऑल माई फ्रेंड्स and they replied thank you so much and they replied I like that and yeah I told him that I'll be your first friend Oh. Yeah, so then I offered Sweet. my friend. And I don't need any other friend. वैसे भाई अगर थोड़ा बहुत फलसफा हो जाएगा ये लेकिन सच बात है कि डरना तो इंसानों से ही चाहिए जानवर बेचारे तो जो होते हैं शेर है तो वो आपको खाएगा क्योंकि उसका काम है आपको खाना सही तो मुश्किल इंसान होते हैं क्योंकि दिखते कुछ और हैं करते कुछ और हैं कहते कुछ और हैं I lately I've started looking positive in the people so I kind of don't want to look wow sixer क्या बात है उसी बात पे आपके साथ मैंने सुना है कि आप बहुत जेनरस हैं माहिरा से सुना है कि आप बहुत जेनरस हैं क्या जेनरस कुछ नहीं भाई वो तो ऐसा बस प्यार माहिरा ने इनकी कोई जेनरोसिटी का किस्सा बताएं भाई ये मैंने जो बात कही है ना हाँ. ये थोड़ी सी मैंने इनको एक ट्रबल में डाल दिया अच्छा क्योंकि बात कह तो दी हाँ. उसके बाद जो लोग वहाँ थे उन्होंने हाँ. कहा ओ अच्छा फहद मुस्तफा ग्लासेस देते हैं फौरन मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा फहद भाई ये ग्लासेस आज आपकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे देते तो मैंने फंसा दिया एंड ही टुक देम सो जेनरस यही होता है ना कि उन्होंने कहा ये लो तुम ले लो वो पहन भी नहीं रहा है मुझे हैरत इस बात की हां पहन भी नहीं दैट्स ब्यूटीफुल ये तो बहुत अच्छी बात है जितनी खुशी आपको तोहफा देने में आती है आई थिंक उतनी खुशी आपको तोहफा लेने में नहीं होती एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली आई वाज नॉट लाइक दैट बिकॉज़ आई स्टार्टेड दिस शो मेरे वो अंदर एक आदत शायद हो गई है आई एम अ होस्ट बाय नेचर नाउ I feel कि कोई भी अगर मेरे पास आ गया है तो मुझे उसको अटेंड भी करना है और देना भी है I don't it's like that I feel the same way मैंने भी एक किस्सा सुना है कि आपने अपनी लॉर्ड वेडिंग की पूरी पूरे क्रू को मोटरबाइक्स दी थी गिफ्ट में क्या ये सच है देखिए ऐसी मोहब्बत that's wonderful I tell you thought यार फहद come on like come on तालियां फहद के लिए यार that's wonderful लेकिन जो उन लोगों ने मुझे दिया था ना मैं आपको बताऊं वो मैं और मायरा उस दिन परफॉर्म भी कर रहे थे so there were few dancers there also So they keep reminding you the steps while they're at the back. Yes. They shout at times, "Ke Fahad bhai, second, Fahad bhai." So the way they help you, I think, wo to ek aap uska koi measure kar hi nahi sakte na kisi bhi tarike se.
चले मुझे बताएं कि रोल है आपका पुलिस वाले का जी, तो आपने पुलिस वालों के साथ कितना वक्त गुजारा? आई नो ये कहाँ लेके जा रहे हैं बात नहीं नहीं, हम वहाँ से लेफ्ट लेके वापस आ जाएंगे। नहीं, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पुलिस ऑन सेट्स एज वेल, दे वर वेरी हेल्पफुल और वो बेचारे बहुत हमारी हर तरह से उन्होंने हमें कंफर्टेबल किया, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू शूट इन कराची दैट टू इन यूनिफॉर्म, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो पुलिस तो वॉज एवरीवेयर और इट वॉज नॉट जस्ट इन दिस फिल्म, हमने बहुत सारी पहले भी ऐसी फिल्में की, तो पुलिस और रेंजर्स एंड दे हैव बीन ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। अच्छा मुझे बताएं कि मायरा आपका मशहूर है कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक जो है वो आपकी वालदा हैं जी, तो मुझे बताएं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने ट्रेलर देखा आपका डांस देखा? बिकॉज मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मायरा, आई हैव नेवर सीन, मतलब मैंने आपको बहुत अदा के साथ डांस करते हुए देखा है, मैंने आपको क्लासिकल डांस भी देखा है, बट ये वाला थोड़ा डिफरेंट डांस था। बेशरम वाला नहीं देखा आपने कभी? बेशरम वाला नहीं देखा आप? भाई एक एक्टर को तो होना ही चाहिए बेशरम, अगर वो शर्म करेगा तो वो अदाकारी क्या करेगा? नहीं नहीं, सच बात है कि ये वाला मैंने पहली दफा देखा, तो खुल के किया। मुझे बताएं कि आंटी का क्या? तो अम्मा एक्चुअली आई वाज गोना, मैं स्क्रीनशॉट करके भेजना चाह रही थी हमारे ग्रुप पे, अम्मा रोट के व्हाट अ प्रेपी एंड क्या प्रेपी एंड फन सॉन्ग, कांट स्टॉप लिसनिंग, क्या बात। सो आई रोट हा 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 अम्मा क्यूट, शी इज लाइक व्हाट, दिस इज ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज ऑन अ व्हाट्सएप, ओह मैन शी इज वेरी टेक्स्ट सेवी, नो नॉट व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, एंड मैंने कहा हा हा हा, तो उन्होंने कहा व्हाट सो फनी, लाइक sorry, he's like it is very good, I'm like okay fine, so she enjoyed it. Aur phir main like I remember jab costumes aaye the na Shahri, I was like Allah, I've never worn something, you know, itna koi tadakta badakta wo jo ek jeans aur ye aur wo, but the character needed it, you know, the song needed it, yeah, wo ek maza usme, no but you've done it beautifully and you know, main bahut maza aaya mujhe, sirf wo गाना देख के समझ आ रहा है कि फिल्म में क्या होने वाला है। बड़ी ईद की बात करते हैं जी, भाई मुझे बताएं कि हर किसी के अलग किस्म के कुछ रिवाज होते हैं, हर कोई डिफरेंट किस्म से सेलिब्रेट करता है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सी एज आई सेड आई एम अ होस्ट बाय नेचर एंड आई हैव बीन लाइक दैट, मुझे जितना याद पड़ता है, ऑल्दो आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, बट एवरीबडी कम्स टू माई प्लेस, चाहे वो मेरे अब्बा हों, मेरे भाई बहन, एवरीबडी, सो सबके लोग मेरे पास ही आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सबको जो है संभालने वाला चक्कर है। सो माई फादर हैज़ दिस थिंग, उनको कलेजी खाने का बहुत शौक है एंड ही हैज़ दिस थिंग कि मुझे फ्रेश खिलाओ, यू नो, अभी अभी वो कसाई काट रहा होगा, अभी तक नहीं आई कलेजी, कब आएगी? सो ये उन्होंने हमारे साथ कुछ 8-10 साल पहले ना ये करना शुरू किया। सो व्हाट आई डिड, मैं 3 दिन पहले कलेजी लेके आ जाता हूँ अब, और हम उनको खिलाते हैं उसी टाइम पे, और वो फिर आगे से कहते हैं क्या फ्रेश कलेजी पकाते भी आप खुद हैं? हैं पकाते भी आप? पकाते मैं नहीं हूं, लेकिन वो जो है ना उनको उनको पता भी नहीं चलता, बस ही जस्ट हैज दिस। वैसे यू कुक? आई डू या सम टाइम्स। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, इस पे दोबारा आएंगे। आप बताएं आप how do you celebrate Eid? Something different? Well, no, actually this is exactly because when I was growing up mere dada dadi ka ye tha, meri dadi ka tha, वही उसी वक्त लिटरली और वो बनाती थी। हां आई नो, ओए होए 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 होए, एंड आई आल्सो लाइक कलेजी। डू यू कुक? नो। यू ट्राई टू कुक? नो। ठीक है, कुछ पकाने वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, बट मैं ऐसे ऐसे बट यू सी सिंस वी ट्रैवल सो मच और वो सारा एक चक्कर होता है, तो यू शुड एटलीस्ट यू नो, ओ या आई नो हाउ टू कुक एंड पीपल टेल मी कि मेरे हाथ में मजा है। ओके तो फिर कब खाएगा जरा? मैं कब खाएंगे? नहीं मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए खाना, अगर आपको खाना है तो। आपके एक्सप्रेशन से लग ही नहीं रहा कि ये होना है कभी। नहीं बट मुझे मतलब हाँ, या बट आई कैन कुक। बट यू कैन कुक? यस। चलें जी इसी बात पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे मजे की बातें कर रहे हैं, इसके आगे भी बहुत मजे की बातें बाकी हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आइएगा, हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे और आपके साथ कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एक दफा फिर से, दिली ईद मुबारक आप सबको। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ हैं फहद मुस्तफा जी और माहिरा जी, बहुत मजा आ रहा है। एक और सेगमेंट करेंगे इनके साथ, इस सेगमेंट का नाम है बात बिगड़ जाएगी। तो साइमन सेज प्लीज स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाएं, आप दोनों यहाँ पे आ जाएं। मैं बता देता हूँ, आई डोंट लाइक दिस सेगमेंट, इतनी मुश्किल से तो ये बात बनी है, अब तुम बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़े? व्हाट इज दिस, सही बात है ये, व्हाट इज दिस, बहुत अच्छा कहा भाई फहद मुस्तफा, बात ऐसे बना लेता है। अरे चलो, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, अच्छा, 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 बात बन गई ना, अब तो बन गई, अब तो बात बन गई, ठीक है, अब तो रहेगी। अच्छा मुझे बताएं दोनों में से पहले कौन जाएगा, कहाँ जाना है भाई? यहाँ तक सेगमेंट का नाम है बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आपको बनाने वाले हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स पे आपकी पसंद का, इनकी पसंद का कोई गाना चलाएगा, बहुत जोर से गाना चलेगा, बट आई एम श्योर हमें आदत है जोर से गाना सुनने की। ओह यस, वो गाना आप सुनेंगी, ठीक है, और ये कुछ आपको सेंटेंसेस बताएंगे, ठीक है, ठीक है, आपको पूछने हैं वो सेंटेंसेस। आई एम श्योर आप पुरानी खिलाड़ी हैं तो ये खेल भी खेला होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, हाँ जी भाई, कनेक्टेड है ये? ओके, आवाज आ रही है? हाँ, या गुड, ओके फाद सर, तो मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सेंटेंसेस जो कि आपको इनको बुझवाने हैं, लेकिन लेकिन सर ये डम शरीर नहीं, ठीक है, तो आप हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, सिर्फ लिप्स के थ्रू या आंखों का इशारा। बहुत प्यारा प्यारा, क्या बात है, आ जाए। आपका पहला सेंटेंस है, फिर सोच लो, मैं आज तक क्यों बोल रहा हूँ उसको, तो आवाज़ नहीं, I don't know, यहाँ देख के बोलता हूँ मैं, कहता हूँ फिर सोच लो, ओके, can you hear us? Oh, really? All right, let's go, let's go, let's go, let's go, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उसको, मैं कहता हूँ, अबे चीटिंग हो रही है ये, मैं कहता हूँ, कह रहे हैं, सोच लो, क्या बस क्या नहीं? सोच लो, मैं कहता हूँ सोच लो, यही था तो बोलो भाई, क्यों क्यों क्या, पूरा बोलो, मैं कहता हूँ सोच लो, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, वन पॉइंट। इसको बंद करते, वापस लगाए, वापस लगाए, मजे की बात बताऊं, आपका कमाल नहीं, अगर वो बुझवा दें तो उनका पॉइंट है। आई लव दैट फेस, इसका क्लोज लगा, यू आर नॉट विनिंग टुनाइट एट ऑल, सही से लगाए, सही से लगाए, ओके नेक्स्ट है, हम कहां के सच्चे थे, ओके ऑलराइट, चलें जी, मैं फहद, मुंह से बोलना है, डम स्ट्रेट नहीं है, हम आप, अरे हम हम हम, अरे भैया सिर्फ मुंह से बोलना है, इशारे नहीं बोल रहे, हम कहां के सच्चे हैं, थे नहीं, हम तो हैं, अब तो नहीं है, हम कहां तो के सच्चे थे, हम कहां के सच्चे थे, हम कहां के सच्चे थे, वेरी नाइस वेरी नाइस, 2 points फहद मुस्तफा, वेरी गुड, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन, क्यों खुश हो रही, जीत तो मैं रहा हूं। अच्छा भैया मैं एक बात बताऊं, सब ये देखें ऊपर से थर्ड एम्पायर बोल रहा है, अगर इशारे किए सर तो नंबर कट जाए, मैंने क्या इशारे किए भाई, हम ऐसे कह रहे हैं, अब हम, अच्छा आप इशारे, हाथ बांध के, हाथ बांध के, ये चीज, ऑलराइट, सर सोने का चमचा, सोने सोने का चमचा, चमचा, क्या बात है भाई, क्या बात है, 3.5 मुस्तफा, जबरदस्त, यूं क्या कर रही हो, मैं जीत रहा हूँ, लग रहा है बड़ी प्रैक्टिस है आपको इसकी, ये आप क्या सेट पे यही करते रहे, नहीं उसको प्रैक्टिस है पूछने की, मैं तो बोल ही रहा हूँ, गुड 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 गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑलराइट, आपका अगला है, सबर का फल मीठा होता है, ओके, सबर का फल मीठा होता है, सबर सबर, आहिस्ता आहिस्ता उसका आवाज आएगी, सबर सबर, यस का सबर, यस 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 का भाई, ये कोई सबर का फल, ये आगे आगे तो सबको पता है, आगे 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 पूरा करो, सबर का फल मीठा होता है, कम ऑन, ऑलराइट, वाओ वेरी नाइस,
very nice. बहुत मुस्तफा, I like collar भी उठाया उसके बाद. Of course. टांग को भी घुमाया उसके बाद. मीठा होता है. All right. तो हम सबर कर रहे हैं. Boys, I want a clean fight today. Okay. One more. अगला. Chicken leg piece. Okay. Chicken. Chicken. आहिस्ता. चेहरा. Chicken. 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 चिकन क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, इशारे हो रहे भाई. थर्ड अंपायर क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे इशारे हो रहे हैं. थर्ड अंपायर की ऐसी की तैसी. ओह नो, चिकन चिलर नहीं, चिलर गर्मी है तो चिलर. चिकन चिकन मुर्गी 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 पोटी. अरे पोटी का फल मीठा होता है. चिकन यस, फल मीठा होता है. भाई तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों? ओके ओके. चिकन 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 लेग चिकन चिकन लेग चिकन लेग 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 चिकन लेग चिकन ले आए. अरे नहीं ला, ले आए ले आए भाई ले आए. लेग लेग यस. क्या बात है भाई, क्या बात है. गुड जॉब गुड जॉब. एक आखिरी सहरे के फूल. ओ फिट है. सहरे के फूल. ओके ऑलराइट. मैं एक सेकंड देखो, ये कोई चीटिंग हो रही है यहाँ पे? कोई चीटिंग नहीं हो रही. नहीं सही है, सही है. ठीक है, सही है. ठीक है. ओके. सहरे 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 सहर. लाउड नहीं बोले सर, क्या हो गया? सहर सहर रे सहले रे ले ले सहरे 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 के फूल. भाई शहर देख लें आपको टके टके ये दे रही है, कह रही है शहर ले. हाँ बोलो. सहरे के फूल के फूल. यस, क्या बात है यार. गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब. वंडरफुल मायरा, दैट वाज अमेजिंग यार. कैसा देखो शहर को कैसा लेके आया अभी. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. क्या बात है भाई, 6 के 6 नंबर ले गए वो. मैं बाय द वे थैंक यू. वो यू नो ही वाज स्क्रीमिंग लाइक Do that. नहीं, बट आप फेयर खेलिएगा ना, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं. हाँ. Okay. आप थोड़ा फेयर खेलिएगा. मैं आप इनको फेयर खेल के दिखाइएगा. हाँ, मैं अभी फेयर. ओके ठीक है. ओके गुड, आ जाएं. ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पास है. आप यहाँ आ जाएं. आप अदला बदली अदला बदली अदला बदली अदला बदली यहाँ पे आ जाएं. हाँ जी, म्यूजिक लगाया हमने. नहीं नहीं, आउट ऑफ फ्रेम हो गया सर, वापस आ जाएं यहाँ पे. ओके गुड, वेरी नाइस, लुकिंग गुड. ऑलराइट, तो भाई आपका पहला, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है थर्ड अंपायर. ओके थैंक यू. आपका पहला है मेरे पास पैसे. किसी का फोन आया. ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है. हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाए. मेरे पास पैसे नहीं है, उनके पास फोन आया, उनके पास म्यूजिक चल रहा है, फोन आया. मलंग मलंग. ओके गुड गुड गुड. ये झूठ है जो ये बोलने वाली है, मेरे पास पैसे नहीं है. मेरी 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 मेरे. क्या ये क्या हो रहा है भाई, ये नहीं हो सकता ना. मेरे पास पैसे नहीं है. मेरे पास बच्चे नहीं है. मेरे पास पैसे नहीं. पैसे नहीं. ये क्या बात है भाई. ऑब्वियसली भाई प्रोड्यूसर को तो ये पूछना था, मेरे पास पैसे नहीं है, यही जवाब होता है हमेशा प्रोड्यूसर का. क्या? अच्छी बात ये कि उसको कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके गुड, अगला 1 पॉइंट मायरा खान. अच्छा अच्छा, थोड़ा टफ वाले करते हैं ना. ओके ओके. बचपन शहरी इतना आहिस्ता क्यों बोल रहा है? That's not fair, यार. मैं तो सुन नहीं पा रहा. अच्छा फिर ये एंड में उसकी no. कोशिश तो करें, कोशिश okay. तो करें. ओके रीड माय लिप्स. ये क्या रीड माय लिप्स? रीड माय लिप्स. ओके ओके ओके. इधर इधर इधर. मुझे नहीं सुनाई दे रहा. बचपन बचपन. वेरी गुड. छप्पन. भाई वो वहां से आवाज आई है, पीछे से वो पिछले सेट वाले भी आ गए. आहिस्ता बात करें. बचपन 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 बचपन. नहीं, पहला वाला. बचपन 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 बचपन. छप्पन चप्पल. छप्पन शब्बर. छप्पन शब मिल. इन आंखों का क्लोज ले आए प्लीज, इन आंखों का. इसके बाद भी फाद मुस्तफा अगर नहीं गैस किया ना. छप शब छप छ छ छ शब चिक. छप्पन शब चिक शब मिल. शब मिल पन पन बचपन शब मिल मर. ओके 10 बहुत मुश्किल है. ओके 9 ये फोकस 10
55 8 chappal 7 56 6 chappar 5 he got it what did he say kya sahi pata hai what 55 chappar yes हाँ शपर शपन भाई मुझे बताएं भाई जब मुझे पता ही नहीं इसका मतलब क्या है ये नहीं ये कंटेंट गलत है हाँ कंटेंट गलत यस सर ये कोई बनता ही नहीं है ये बनता ही नहीं है ओके गुड 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 चलें दे देते हैं 55 शपर पे अगले पे चलते हैं हम हाँ ये दिस इज गुड अंधा कुआं अंधा कानून कुआं था लेकिन तुम कानून करोगी चलो कानून कर दो है ना ओके अंधा कानून फिल्म से रिलेटेड है हाँ हाँ क्या है ऐसा 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 अंधा अंधा कानून यार ये डम शरेड हो गया यहाँ पे यार ये क्या हो गया ऐसे उन्होंने छड़ी चलाई है उनको उनकी छड़ी का इशारा समझ में आ गया ओ भाई लगता है ये छड़ी बहुत चलाती है अच्छा ओके चले करके दिखाने में इनको शौक है तो हम देते हैं इनको मजे का हाँ दे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ओके अब करके दिखाएं आप दम श्रे पहला लव धोबी टोपी धोबी क्या क्या कुत्ता धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट ये क्या करवा रहे हो यार What a sport, भाई तालियां यार तालियां भाई कोई आ रहा मायरा क्या बात है last okay मुन्ने की शादी okay ठीक है okay दुआ भी करेंगे एंड में इसके लिए ठीक है very funny शायरी okay अच्छा तीन लव्ज़ हाँ मुन्नी मुर्गी नहीं मुन्नी ऐसा मोटी नहीं listen ये क्या है बदनाम हुई नहीं हुई बदनाम हो गई मुन्नी मुन्नी बदनाम की मुन्नी की हाँ ऐसी की तैसी मुन्नी की ऐसी की तैसी मुन्नी की ऐसी तैसी मुन्नी की चाल शराबी ठीक है बाल एक सेकंड ये शराबी कहाँ से लग रही है उस बेचारी ने तो दुपट्टा भी ले लिया मुन्नी का घूंघट मुन्नी की दुल्हनिया yes, नहीं तो क्या होता है तब जब दुल्हनिया क्या होता है इसको आवाज नहीं आ रही शादी चली शादी मुन्नी की शादी क्या बात है भाई गुड जॉब वाह 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 लेकिन ये तुम लोग मुन्नी की शादी करवा क्यों रहे हो मुन्नी बहुत टाई हो गया आई नो ही यू नो दिस इज ही कॉल्स कंटेंट गलत है ओके एक एक लास्ट सडन डेथ आई कांट हियर यू बडी गुड वन लास्ट नहीं ड्रॉ हो गया उनको नहीं बताया सिर्फ आपको बता रहा हूँ फिर बोलिएगा मत मैंने आपकी साइड नहीं ली ओके एक आखिरी है कर दिया तो जीत गई मैं जीत गई आप जीत गई ओके टेल मी ये उनको कुछ नहीं पता ठीक है बताएं अच्छा लेकिन डम श्रेड नहीं करना ये मैं बता रहा हूँ ठीक है ओके चलें आखिरी है तू मेरे अगल बगल है ओके ऑलराइट तू मेरे अगल बगल है लेट्स सी दिस अब कौन सा जानवर है तू ये पॉइंट क्यों हो रहा है यार मेरे अगल बगल तू मेरे पास है आस पास है अगल बगल मेरे अगल बगल में है बगल क्या बात है भाई तालियां वेल डन पाथ सर कौन जीता हो गया ओह माय गॉड We are actually good at this, by the way. You guys are very good. Smarter than fifth grader. We were not. This will be okay. But excuse me, can you just tell him? Okay. Please, settle down. जब आपने वो लगाया हुआ था आला जी जब आप मुझे मैं आपसे बात करने आया तो आपने कहा कोई आवाज नहीं आ रही Of course. सबने देखा ऐसा ही हुआ भाई हमने डिस्कस किया कि टाई हो चुका था हमने कहा था ये फाइनल है टाई ब्रेकर अगर इन्होंने गेस करवा दिया तो ये जीत जाएंगी ठीक है ये क्या बात हुई तो हमसे पूछा ही नहीं आपने भाई मैंने पूछा इन्होंने हसर भी लाया आप सबने देखा इस कैमरे ने पूछा क्या आपने देखा तुम्हारे लोग हैं सारे सबने देखा मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को वैसे वेरी बड़ा कॉम्प्लीमेंट डिप्लोमेसी दिखा रही हो ना इससे पहले ये समझ लो कि वो राउंड जीत चुके हैं ये राउंड जीत चुके हैं उससे पहले राउंड जीत चुके हैं कॉम्पिटिटिवनेस निकली ये राउंड जीत चुके हैं लेकिन एक मिनट अगर हम कोई राउंड जीतते हैं तो यहाँ हमें कुछ मिलता भी है या नहीं हाँ कुछ मजे का है अब तो तुम भी बाइकें मारने लगे तो हमें दो ना बाइक ऐसे सवाल नहीं पूछे चाहिए मगर शरी वैसे हमें क्या मिलने हेलो 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 आवाज नहीं आ रही मैंने बहुत बाइकें दी आज मैं तुमसे बाइक लेके जाऊंगा आज एक एक बाइक तो हमें दे यू विन दिस
I want you to win it. But I want the bike. Win anything here. भाई एक बहुत जबरदस्त basket है. Fruit basket. एक है basket. बहुत जबरदस्त है वो. वो basket बहुत जबरदस्त है. वो आपको हमारी तरफ से मिलेगी. दिखाओ वो basket. हमें तुम्हें भरोसा नहीं. ओ नहीं दिखा. बाद में end में. भाई यही सबर का फल मीठा होता है. अच्छा आपको मीठा फल नहीं चाहिए? नहीं भाई, ऑफ कोर्स. ओके ऑफ कोर्स. ठीक है भाई, बहुत मजा आ रहा है. कंपटीशन टफ चल रहा है. मैंने काउंट छोड़ दिया है. थोड़ी देर में पूछता हूँ. मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है क्योंकि मैं जाके पूछूंगा थर्ड एम्पायर से कि स्कोर क्या चल रहा है. ठीक है. मुझे लगता है इस टीम को बढ़ाने का वक्त आ गया है क्योंकि यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन सख्त चल रहा है. तो देखते हैं किसी और को ऐड करते हैं, शायद उसके बाद कॉम्पिटिशन कोई और रुख ले ले. जी बिल्कुल. लेते हैं छोटी सी ब्रेक. Welcome back from the break. भाई सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है, मुश्किल सिचुएशन हो गई है. यहाँ पे चल रहा है टाई. बहुत सख्त कॉम्पिटिशन. भाई रेटिंग के लिए करना पड़ता है. There is no tie. रेटिंग के लिए करना पड़ता है. मैं जीत गया. भाई खवातीन का राज है. हाँ वो एक अलग बात है. नहीं, मैं कह रही हूँ ये जीत. आप जीती हुई है भाई. नहीं, ये मैं तो हूँ जीती. चले सिचुएशन के लिए बोल दे भाई. सिचुएशन बहुत टफ चल रही है. बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है. स्टार्स इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं और जब स्टार्स मुश्किल में फंस जाएं तो उन्हें कौन बचाता है? हिदायतकार, डायरेक्टर. और जब डायरेक्टर मसले में पड़ जाए तो उसे कौन बचाता है? प्रोड्यूसर. तो जब बात हो रही है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की और बात हो रही है जोड़ियों की, तो क्यों ना बुलाएं एक और दबंग जोड़ी को. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, ऐसे डायरेक्टर और ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसी जोड़ी के मचा दी है पूरी दुनिया में धूम. एक्टर इन लॉ, लॉर्ड वेडिंग, नामालूम अपराध 1, नामालूम अपराध 2, कायदे आजम जिंदाबाद. भाई मैं थक गया लेकिन फिल्में कम पड़ गई. मैंने सुना है ऐसा सुना है कि एक फिल्म रिलीज पे है, दूसरी फिल्म एडिट टेबल पे है, चौथी की शूट खत्म हुई है, पांचवी की शूट से आ रहे हैं, ऐसा हमने सुना है. भाई आप सबकी भरपूर तालियों में फिजा और नबील. हेलो, कैसी हैं आप? सर ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. कैसे हैं आप? ईद मुबारक. तुम्हारे पास सीट अप्रोप्रिएट कपड़े भी नहीं थे मतलब के? यार मैं पता है अभी बस सिनेमा से आ रहा हूं. ओ अच्छा, ओके. शूट से? भाई अभी तो बताया चौथी फिल्म की शूट से अभी आ रहे हैं ये. नहीं, आज ईद है, सुबह सुबह बकरे भी काटते हैं. अच्छा, वो भी तो है ना. क्या करें भाई, साइड हसल भी तो इम्पोर्टेंट है. फिल्में ऐसी बनती है. एक्चुअली दैट्स द मेन हसल. क्या करते हो बकरा ईद पे? अब आप बताएं प्रोड्यूसर साहब, ऐसे ही बनेंगी ना फिल्में? मैं एक्चुअली सिर्फ खाले बेच रही थी, ये कटाई का काम. अच्छा, कटाई कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने पहले से ही बोल दिया मैं तो सिर्फ खाले बेच रही थी. ठीक है ठीक है. हाँ जी बताएं, आज पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्साइटमेंट? इट्स rocking, you know, I mean, everybody's Mashallah. Watching it, loving it. Mashallah. Extremely happy. I never thought this will happen, but yeah, what a day. I woke up to these, you know, booming numbers and I'm like, wow, you know, I not even in my wildest dream. Abhi phone aaya tha ki aake cash aa gaya, le ja. Upar ja rahe hain. Acha, mujhe ye bataye, ye bataye. Thodi der pehle jo hai, Mahira ye keh rahi thi ki Fahad ko ye lagta hai ki ye unki zindagi ki sabse behtareen movie hai. Aur मायरा ने कहा मुझे भी ये लगता है कि फहद की ये सबसे बेहतरीन मूवी है. और उसके बाद इस बात पे फहद मुस्तफा ने सिर्फ सर हिलाया और कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्योंकि मोस्टली तो फिल्में साथ जुड़ी हुई हैं आप दोनों के, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता क्या आपकी भी ये जिंदगी मेरी भी सबसे बेहतरीन मूवी है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. वाकई में आई थिंक कायदे जिंदाबाद जो है ना वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म इट इज. I think not just for us, for every Pakistani, I think ये बहुत ही एक अहम फिल्म है और ख़ास तौर पर आजकल के वक्त को देखते हुए. अच्छा, ये वो वाला है. और आएगा मेरी जवाब भाई. एक साल फिल्म बनाई है आपने और जवाब सिर्फ इतना सा बताएं कुछ. यार लोग देखना चाहते हैं, नबील से सुनना चाहते हैं, डायरेक्टर से अपनी फिल्म के बारे में, फहद के बारे में बताएं, मायरा के बारे में बताएं, कुछ मजे मजे की बातें बताएं. मजे की बातें तो हमने तो बहुत एंजॉय किया शूट पे और इनफैक्ट प्रमोशन से बहुत एंजॉय किया है.
पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने, कुछ चीजें तो बता भी नहीं सकते। अब असली नबील निकल रहे हैं बाहर। मैं ये कह रहा था ये बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए थे भाई। मैं सबको बताऊं, मैंने बहुत इंटरेस्ट, जब ये हम शो प्लान कर रहे थे तो मैं सबसे ये कह रहा था कि कुछ एक्टिविटी प्लान करते हैं इन दोनों के लिए भी, क्योंकि मैंने कहा कोई और फिल्म मेकर्स होते तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन ये दोनों हैं तो मुझे पता है कि इनके अंदर भी इतना बड़ा फनकार है कि कुछ ना कुछ मजे की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा उस फनकार को आप थोड़ा झलक हमें भी दिखा दें कैमरे के सामने। अच्छा चलें, आप मिजा आप बताएं मुझे कि आपने मायरा के साथ काम किया, एज दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हर एंड यू हैड बीन वर्किंग, इससे पहले आपने प्रीवियसली मेमिश के साथ फिल्मों में उनको लिया था, सो हाउ डिड यू फाइंड इट डिफरेंट एंड क्या बातें उनकी अच्छी लगी आपको, किसमें मतलब बढ़िया? Well, you know, each individual is different than the other, of course. वो तो उसमें कोई ऐसी बातें थी जो बुरी लगी? Sorry, मायरा की? ये 20 सवाल है, तीनों सवाल हैं। एक, दो, तीन। So number one is how was it? Yeah. And then number two is? Number two is के बुरा लगा के नहीं लगा? कुछ अच्छा लगा and third was कुछ बुरा लगा। मुझे honestly speaking Mahira did not come across as if, और चौथी सच्चाई भी हो सकती है। हाँ, सच्चाई ये है कि हमें नहीं लगा कि Mahira ने हमारे साथ, because Mahira ने हमारे साथ एक बहुत ही छोटा सा cameo किया हुआ था एक्टर लॉ के अंदर, और हम जब Mahira से मिले थे तो बहुत ही एक वार्म इंटरेक्शन थी वो, लेकिन हमें लगा कि थोड़ी देर के लिए आए तो हर कोई अच्छा एक्ट करता है थोड़ी देर के लिए तो कर लिया होगा, लेकिन इतनी दिन के लिए आप एक्ट नहीं कर सकते। वी शॉट फॉर, आपको ये लगा था जब मैं आपके लिए काम कर रहा था? ये लगा था जब मैं आपके लिए काम कर रहा था? देखो हमारा ट्रायल यही है, पहले कैमियो में चेक करें बंदा क्या करता है। सो भाई कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी, रोजे से मैं था पूरा दिन, ना खाना खिलाया ना पानी पिलाया, धूप में खड़ा रखा मुझे 14 घंटे, उसके बाद भी कहती है ऐसा ही लगा। ठीक है भाई, see that's why the performance was so convincing, तुम्हारे कैरेक्टर लग रहा था भूखा भी है बेचारा, परेशान। हाँ, भूखा भी था, प्यासा भी था, मरा हुआ भी था, पिटा हुआ भी था, लेकिन और कैद में भी था। रोजा वाज योर चॉइस? या रोजा वाज माय चॉइस, यू हैड एडवाइस मी कि ये गलती नहीं करना। नहीं मैंने गलती नहीं कहा था, रोजे का बाद में रख सकते हैं इसको कजा करके, लेकिन आपने कहा था कि नहीं मैं नहीं छोड़ता क्योंकि आप माशाल्लाह इतने प्रैक्टिसिंग हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी चॉइस है तो हम आपके सामने बिल्कुल इस चीज को वैल्यू करेंगे, लेकिन तारीफ होती है जो आपके सामने ना हो। सामने जाओ, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं ऐसे आपको आप दोनों से मजाक कर रहा हूँ। आई थरली एंजॉयड, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। Mahira पे रहते हैं हम, Mahira की बताई थी, एक अच्छी बात एक बुरी बात। Mahira की अच्छी बात ये है कि Mahira इज़ अ टीम मेंबर, शी इज़ वेरी इजी टू वर्क विद। Mahira की बुरी बात ये है टू गेट हर टू वर्क इज़ डिफिकल्ट। गेट हर टू वर्क इज़ डिफिकल्ट, लाइक टू नॉट लाइक एवरीडे शूटिंग पे टू हैव हर साइन समथिंग इज़ डिफिकल्ट, बट शी साइंस इट देन शी इज़ देयर, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो मुझे बताएं इंटरेस्टिंग ये उन्होंने जो बात की। आई नो दैट मैंने ये भी एक और दिन की बात है, किसी और दिन बैठ के बात करेंगे हम साथ बैठ के। खैर Mahira आप मुझे बताएं कि वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा, मुझे बताएं कि शी सेड, फिजा जी ने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू टू साइन समथिंग, तो अगर आपने ये साइन की तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट ड्रू यू इन, कि मतलब यू नो हर, आपको पता ना कि एक एक्टर के लिए कोई एक चीज़ होती है जो कहता है यार ये करना है। माई गट, माई लाइक एज सून एज आई हर्ड इट आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। Not like I didn't want to शेर के साथ डांस। हाँ, आपने कहा शेर के साथ डांस करना है। शेर के साथ, हाँ शेर के साथ डांस करना है। But I wanted to इस बात पे शेर को गुर्राना चाहिए। नहीं, नहीं। Basically we are doing another film called Ring Master. By the way, we are doing another film. Mahira is performing the Ring Master. Ring Master. Yes. Okay. I don't want to ask about your role. अब बता दिया Ring Master. कल उसके practice भी कर ली। और it's a all out musical. Musical. Fahad is playing the guy who walks the rope. Yeah. And happily. Happily. And Mahira also does that. वो जो नहीं होता जो knife shots होते हैं। I'm the full ring master. This I'm the guinea pig और ये सब मेरे ऊपर हो रहा है। इसमें नबील का भी एक part है जहाँ वो circus कर रहा है। हाँ circus, जैसे is a ring master circus। Yeah yeah। Oof यार, what a film that was। Beautiful यार। What a film that। Inshallah। ये क्या सच है? आपने sign कर दिया है ये film? जी जी। इस वाले दिन हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। और इस role पे भी agree कर गए हैं आप? हाँ हाँ। Of course। आपने ये फिल्म मेरा होगा रोल, ये आपका होगा रोल, ये होगा आपका रोल। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस, और हम सब कैमियोस करेंगे। आप भी हैं, हम भी हैं। Mahira Khan in and as ring master बट या सो आई हर्ड इट, सॉरी वीर देखा हम ये लोग ये देखिए ये करते रहते हैं। आई हर्ड इट एंड आई वाज इंस्टेंटली लाइक
And they didn't give me a choice, वैसे. But I wanted to be part of this film. You wanted to be part of it. I wanted to act under his vision, to be honest. Nice. But that's what she said, कि ये लेकिन टाइम लगा करने में. So what was it about this one? नहीं, ये स्मिथ मैंने नहीं टाइम लगाया. नहीं नहीं नहीं, स्मिथ नहीं. इसलिए से ना, उन्होंने कहा पहले से लेके अब तक टाइम लगा. Like Mahira. नहीं, usually जब ये लोग मुझसे जब भी बात किए तो I used to run away bride. हाँ. हम लेना चाह रहे हैं कोई juicy gossip. आपको बता के दे देते हैं. बताएं. Honestly, जो हम सब एक्टर्स के पास बहुत सारी फिल्में आती हैं. नहीं, but let me tell you something. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. There are lots of things. असल में ये दोस्त भी है ना, क्योंकि ये जैसे ही कट होगा तो उसके बाद होगी मेरी पिटाई. इसलिए हम चलते हैं अगले सवाल. नहीं, I'm just. आपको हवा बॉदर कर रही है? Yes. आप मेरी जगह पे आना चाहेंगी? यहाँ पे आ जाए. अरे यार, यहाँ आ जाए. You'll be easier over here. देखें, सिर्फ उस दिन शूट वाला दिन नहीं था, यहाँ पे भी हूँ. यहाँ पे भी हूँ. रेस्ट कर रहे हैं यार. ये उसने तुम्हें प्रूव किया है कि मैं सिर्फ शूट पे ठीक नहीं था, मैं अभी भी ठीक हूँ. रिंग मास्टर इट इज, आई एम टेलिंग यू. ये रिंग मास्टर 2. देखिए, रिंग मास्टर 2 शुरू हो गई है. आ गई रिंग मास्टर यहाँ पे. अच्छा, अभी हमारे 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है. ओह वाओ, ये भी लिखवा लिया. ऐसा नहीं है ना, कसम से. अच्छा, उड़ गया शहरी, उड़ गया फिल्म की कसम. ऐसे कहे, ऐसा नहीं है. ओके नबील, आप मुझे बताइएगा कि एक्शन फिल्म की आपने ये पहली दफा. ऐसा नहीं है कि पहली दफा, बिकॉज आपकी माशाल्लाह दूसरी फिल्मों में भी छोटे छोटे एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं, लेकिन ये आउट एंड लाइक आउट राइट एक्शन फिल्म. तो पाकिस्तान में व्हाट पज नहीं अच्छे तरीके से पूछते हैं ये. बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. बट आपने कैसे हिम्मत की, क्या सोच के, एंड हाउ वाज इट फॉर यू शूटिंग एन एक्शन फिल्म इन पाकिस्तान? डिफिकल्टीज क्या थी फॉर एन एक्टर एज वेल, बिकॉज एक्टर्स भी यूज्ड टू नहीं है. केम डायरेक्टली इन माय यार. इट केम, आई थिंक थोड़ा काफी ओवर एम्बिशियस होकर हमने ये प्रोजेक्ट सोचा था, बिकॉज इसमें नॉट जस्ट एक्शन बल्कि एनिमल्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम है, जो कि माहिरा का बहुत ज़्यादा है, फहद का जो है वो बाकी एक्शन वाला पार्ट ज़्यादा है. तो फहद और माहिरा ने दोनों ने ही बड़ा जो है वो आई एम श्योर एंजॉय एनिमल्स किया है. एनिमल्स के साथ काम किया, बट एनिमल्स की तरह काम किया है. एक बार हमने नामुल वन में कुत्ते के साथ किया था. अच्छा, कुत्ते के साथ किया, बट वो जो है स्ट्रे डॉग दिखाया. अच्छा, बट इसमें हमने जो है कोई नहीं छोड़ा है, मतलब कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, क्रोकोडाइल, शेर, टर्टल्स. सो कोई स्टंट्स जानवरों के अलावा कोई ऐसे स्टंट्स हैं जो बहुत मुश्किल थे और आपको खुद करने पड़े? हमारे यहाँ कौन सा स्टंट मुश्किल नहीं होता. तो भाई आप हाँ, तो मैं बता रहा था कि काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्शन बट VFX का काफ़ी ज़्यादा काम था फिल्म में. उस तरह की चीज़ पहले हुई नहीं थी पाकिस्तान में. एक तो रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें जो हमारा फेवरेट वर्ड है ना, जुगाड़, बहुत सारे जुगाड़ करके जो है वो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? कहाँ चले हैं? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या कोई मसला है? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो आओ, निपट के आते. अरे भाई, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? शो चल रहा है यहाँ पे. क्यूट है आप, तो किसी को ले जाए. भाई आप ले, छोटी सी ब्रेक, मैं जाके देखता हूँ फहद को ये क्यों लेके चले गए. ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं. फहद, फहद. जानते हो नोटों पे कादर आजम की तस्वीर क्यों होती है? वाह, क्या एक्टर है. ताकि वो हम पे नजर रख सके. वाह, कुछ याद आया फहद मुस्तफा, तुम्हारी ही फिल्म का डायलॉग है. हाँ है तो. लेकिन आज सिर्फ कायद आजम की नजर नहीं है तुम पे, पूरे पाकिस्तान की नजर है तुम पे. इस वक्त तुम हो एक्सप्रेस की अदालत में. आज लगेंगे आप पे पब्लिक के लगाए हुए इल्जाम और आपको डिफेंड करेंगे नबील. आपका टर्न इस पॉइंट पे था सर. और आपको डिफेंड करेंगे नबील कुरैशी. ये टाइट सोलो. ओके, और जज बनेंगी मायरा और फिजा. आप दोनों जज हैं, थोड़ा मोतबर हो जाएं प्लीज. सीरियस? ओके, सीरियस, मजाक नहीं. तो फहद मुस्तफा, आप पे पहला इल्जाम है, आप अक्सर शूट पे रूड होते हैं, अक्सर लोग आपसे बात करने से डरते हैं, क्या ये सच है? आप कुछ नहीं बोल सकते, आपके लॉयर आपके लिए बोलेंगे. अगली आवाज होगी नबील कुरैशी की.
हम खड़े होंगे यहाँ पे जजेस के साथ। ऐसी ये जगह भी बेहतर है, आप जानते हैं। मैं अपने वहाँ नबील कुरैशी वहाँ 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 पर वो जज सुनेंगे। हाँ नहीं नहीं सीरियस सीरियस वन टू नहीं दिखा सकते। मैं इधर यहाँ आ जाए। हाँ यहाँ आ जाए, यहाँ जबरदस्त जबरदस्त। एक मिनट नबील, मैं स्ट्रेटिंग कराता हूँ। आप बंद हैं भाई। I'm so sorry. Okay, ऊपर से. आप टर्न पे आएगा, मैं बोलूँगा 1 2 3 आप डिफेंड करेंगे। Okay, 1 2 3 नबील कुरैशी आप डिफेंड करेंगे फहद मुस्तफा को। साहिबा ये सरासर झूठ है। फहद मुस्तफा एक निहायत हम्बल और निहायत मोहतबर शख्स है, जो कि अपने फैंस, अपने साथी अदाकार और औरतों की तो खास तौर पर बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है। मैं बाकायदा इनका वकील हूँ, लेकिन मैं गवाह भी हूँ इस बात का। ये बिल्कुल भी रूड नहीं है, बिल्कुल भी रूड नहीं, पूरा एक्टर हूँ। जज साहब आपको ये लगता है ये सच है? जज साहब क्या लगता है आपको? देखिए इनका यही मुंह है, सीधा या उल्टा, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो यही है। ओके माहिरा आप बताएं मुझे, गवाह पेश करें। जी माहिरा आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं? अभी तक तुम मुझे लगता है गवर्नमेंट, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप प्रोसिक्यूशन है ना? हाँ प्रोसिक्यूशन, लेकिन आप जज हैं। जज बताएं आपको, हमें तो लगता है ये कि बहुत रूड हैं। जिस तरीके से खड़े हुए, कॉन्फिडेंस देखें इनका, इस कॉन्फिडेंस से ये खड़े हुए हैं कि इनको लगता है कि आप भी वही कहेंगे जो ये चाहते हैं, आप भी वही कहेंगी जो ये चाहते हैं, आप भी वही कहेंगी जो ये चाहते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कोई इस बात से डिफर कर ले तो मैं कर लेती हूँ। ओके अरे आप डिफर, अगर मैं चाहता हूँ साहिबा ऐसे कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करता है, देखिए, और अगर एक करेगा तो 50-50 चल रहा है। बस मेरा काम है कि मैं मायरा को कन्विंस कर लूँ। नहीं आप करके आप मुझे दिखाएं तो आप कर। भाई आप जज पे अंडू प्रेशर डाल रहे हैं, आप जज पे अंडू प्रेशर डाल रहे हैं। मैं अपने वकील के वकील हूं और ये मासूम शक्ल देखें, इस मासूम शक्ल के पीछे छुपा हुआ ये रूट नहीं है, रूट है दरिंदा। हाँ दरिंदा, इस मासूम शक्ल के पीछे छुपा हुआ दरिंदा। उन्होंने कहा अब्बर शेर, उन्होंने कहा हर किस्म के जानवर से काम किया हस्बैंड पे। जजेस बायस, मैं बता रहा हूं, जजेस बायस मुझे लग रहा है ये। ओके आई एम सॉरी पब्लिक, ये केस तो हम नहीं जीत पाए, अगले केस की तरफ चलते हैं। इस केस पे इनको बाइज्जत बरी करते हैं, लेकिन आप अभी तक यहां से जा नहीं सकते। नहीं नहीं, आपके ऊपर अगला इल्जाम है। आपने एक शो में कहा कि ईमान अली मुझे बहुत पसंद थी जब तक मैं उनसे मिला नहीं। ये क्या बात हुई करने वाली? उसके बाद क्या हुआ? कोई ऐसे अपने को एक्टर के बारे में बात करता है और आधी बात करके छोड़ देता है, बाकी बात करता नहीं है ताकि सोशल मीडिया पे आके लोग इनकी बातें कंप्लीट करें। भाई इस इल्जाम को डिफेंड करें। जी जज साहिबा, आप लोग जज हैं, लेकिन जो लोग हैं इनके जैसे वो जजमेंटल हैं। इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था कि मैं मुझे ईमान अली बहुत पसंद थी जब तक मैं उनसे मिला नहीं था, क्योंकि मिलने के बाद तो इन्हें उनसे मोहब्बत ही हो गया। मोहब्बत, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई करता है कि आधे में जुमला छोड़ दे? और मोहब्बत कैसे करते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप सोशल मीडिया पे आग लगाना चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं लोग फिल इन द ब्लैंक्स खेलें? नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हमारे रिश्ते को समझें। कुछ दिन पहले आपने बोला माहिरा खान आपको सबसे अच्छी लगती है। यस जज साहब, ये तो बंदा ही झूठा है। बोलता है ईमान अली से मोहब्बत है, माहिरा खान सबसे अच्छी लगती है। इस्लाम इसका तो कैरेक्टर ही ढीला है। इसमें क्या बुराई है? माहिरा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस्लाम में क्या? और माहिरा किससे अच्छी नहीं लगती? मुझे शादी की शहनाई की आवाज आ रही है भाई, बहुत पिटने वाला ये घर पे भाभी से। डिफेंस वीक पड़ गया, डिफेंस वीक पड़ गया, डिफेंस की आई हुई दरारों में। मुझे लग रहा है कोर्ट की एक नई रूलिंग आई है। अगर माहिरा खान आपको क्या लगता है? माहिरा खान आपको क्या लगता है? अभी कह रहे हैं ईमान अली से मोहब्बत हो गई, दो मिनट पहले कह रहे थे माहिरा खान से मोहब्बत है। यार वो अच्छी रूलिंग दे रही, तुम सुन नहीं रहे यार, ये क्या बात हुई भाई? आधा था 50-50 ना। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं फिजा से पूछे, फिजा से पूछे, उनके पास बहुत अच्छा जवाब। हां जज साहिबा, कोर्ट ने एक नई रूलिंग दी है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी वाइफ आपको परमिशन दे दे तो आप चार बार मोहब्बत कर सकते हैं। चार बार मोहब्बत? ये नहीं मोहब्बत नहीं है, वो शादी। भाभी भाभी यहाँ देखें भाभी, आपने परमिशन दे दी है। पहला तो प्रेमिस इसका है भाभी, क्या आपने परमिशन दे दी है? मिल गई है आपको परमिशन? भाई वो प्रीमियर पे थी तो परमिशन है ना, ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ प्रीमियर पे थी तो परमिशन है ना। अच्छा प्रीमियर तक की परमिशन है। देखें ऑडियंस, ये इंसान एक फिल्म में एक जगह मोहब्बत करता है, दूसरी के साथ प्रीमियर तक मोहब्बत करता है। इसको केस दिया किसने? ये इल्जाम बिल्कुल सही है, ये इल्जाम बिल्कुल सही है।
साहब ऐसा आप कैसे ओके क्योंकि आपने जो ये बोला है जो दलील दी है कि जज नहीं जजमेंटल है नहीं मैंने आप अरे ये तो मैं जज नहीं जजमेंटल है पॉइंट टू बी नोटेड मैं तो भूल ही गया पॉइंट टू बी नोटेड जज नहीं जजमेंटल है एक लड़की से प्यार करता है दूसरी लड़की को कहता है प्यार करता हूं उसके बाद उसको मेंटल बोलता है ओह नो मेरा वकील मेंटल है मैं आपको बता रहा हूं आपको कहा है चुप रहिए वकील और मुल्ज़िम में हो गई लड़ाई यू स्मैश ये मैं तो गुडविल में केस लड़ रहा हूं हां ये तो वो कौन सा वाला केस होता वो ओके ओके ऑडियंस मुझे लग रहा है 1-1 का सख्त मुकाबला चल रहा है इस केस पे तो आपकी ये तुम्हारी स्कोरिंग कैसे चल रही है भाई ऊपर से थर्ड अंपायर बता दे मुझे भाई चेक भी वहीं से आता है तो वो बोलते हैं वो करना होता है ओके 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 सीरियस आप पे आखिरी इल्जाम है आपकी याददाश्त की वजह से बहुत सारे लोग घबराते हैं ऐसा कहते हैं आपकी याददाश्त की वजह से बहुत सारे लोग घबराते हैं ऐसा क्यों है फहद मुस्तफा आपकी याददाश्त में ऐसी क्या बात है कि लोग घबराते हैं ये क्या इल्जाम ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था ये आउट ऑफ फ्लेवर है आई नो कुछ भूल क्यों नहीं पाते आप क्या खाते हैं आप चमट ब्रश आओ पता क्या खाते हैं कहां से आता है चमट ब्रश इंपोर्टेड प्रोडक्ट तो बंद है हां ये भी है क्या हो रहा है यहां पे जज साहब क्या हो रहा है यहां पे जज साहब कैसे बताएंगे खा हम रहे हैं लेकिन ये याद ही रहता कि इन्होंने पहले किससे मोहब्बत की और बाद में किससे की साहब मुझे नहीं आप नहीं नहीं कपड़े नहीं नहीं आखिरी आखिरी नहीं नहीं आ गया खुद सोची नहीं करनी नहीं नहीं आप उधर भाई उस लकीर को क्रॉस नहीं कर सकते आप मैं उस लकीर के पीछे रह के बात करें लेकिन इनकी याददाश्त इतनी अच्छी है तो इनसे साथी अदाकार घबराते हैं हम लोग नहीं घबराते साथी अदाकार घबराते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको आपने मेंटल बोला उनकी याददाश्त खराब है इसलिए घबराती है अदाकार अदाकार नहीं नहीं साहब आप हमारा खान साहब ये ओह माय गॉड जज साहब आपको गुमराह किया जा रहा है जज साहब आपको गुमराह किया आप सुन रहे हैं पब्लिक लेकिन मेंटल याददाश्त बुरी डायलॉग याद नहीं होता मायरा खान क्या कहेंगे आप जज साहब आप मेरी आंखों में देखे जज साहब आंखों में नहीं देखे जज साहब कानून अंदर और सैकड़ों दस फिल्म और सैकड़ों दस फिल्म में ये आ गया वापस दस फिल्मों की बात क्या कह रहा है इसको बहुत और क्या लगी है क्या लगी है दस फिल्मों की क्या लगी है अच्छा ओके सीरियस वकील साहब मायरा खान वकील साहब आपका जब दिल करता है आप सीरियस हो जाते हैं जब दिल करता है आपको कॉमेडी में आ जाते हैं आप ओके मैं आपको दो फिल्में देने के लिए तैयार हूं कहीं कॉम्पनसेट करते हैं मैं आपको दो फिल्मों की डीवीडी भी देने के लिए तैयार हूं दो फिल्मों की डीवीडी और दो फिल्में ओके इस इल्जाम पे भी मुझे लग रहा है आप कमजोर पड़ रहे हैं अरे खुद तू जज है यार तू वकील है भाई भाई ऊपर से आ रहा है ऊपर से किससे आ रहा है ओके अच्छा ऊपर क्या अदालत नहीं है अदालत तो सबसे बड़ा इदारा है मायरा क्या जज मेंटल साथी एक्टर को लाइन याद नहीं होती ब्राइब दे रहे हैं दूसरे प्रोसिक्यूटर को क्या कहेंगी आप आखिर आपके ऊपर ही आ गया है पूरा डिसीजन बाइज्जत बरी करें इनको क्या कहें मेरा खान बहुत स्क्रीन टाइम ले रही है मुझे बचपन में बताया था कि एक्ट्रेसेस ऐसे ही करती हैं वाले विनती इज्जत भरी ओके डन तो फिर मायरा खान को बिठाएं कटघरे के अंदर आप आ जाएं आप सब देख रहे हैं कि मायरा खान ने इनको कर दिया बा इज्जत भरी सर अब आप बनेंगे जज आ जाएं बैठ जाएं व्हाट एम आई वेल डन सर वेल डन वेल डन अच्छा अब कौन जज है आप जज आओ सर आप बेटा ये देखें जज साहब मेरे पास क्या है ये देखें ओवर एक्टिंग करें जज साहब क्या कर रहे हैं ये देखें मुझे व्हाट्सएप कर दो जज साहब देख लें जज साहब ओह माय गॉड स्माइलिंग एक्साइटमेंट स्केरी अबे रोबोट तोड़ दिया ओके जज साहब देखा आपने ऑडियंस को भी दिखाएं हां दिखाएं मायरा खान आप पे इल्जाम है कि आप प्रोडक्शन पे भारी हैं आधा बजट आपके खाने में जाता है मेरे पास है सबूत जो कि हमने दिखाया है ऑडियंस को ये देखें क्या कहेंगी आप क्या ये इंसाफ है कि एक फिल्म का आधा बजट मायरा खान के खाने पे चला जाए जज साहब इनके हालात देखें और इस इल्जाम के बारे में सोचें सही बात है और एट द सेम टाइम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है किसी भी कोर्ट में पहले इल्जाम लगाया जाता है फिर सबूत दिए जाते हैं लेकिन उन्हें सबूत पहले यही तो मसला आधा बजट खाने के बाद भी हालात है मुझे लगता है हां तो
किसका आइडिया था कि प्रोड्यूसर को बना दो वकील? ये किसका आइडिया था? वो कुछ बोलेंगे आगे से? भाई सीरियस 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 रोल में वापस है, यही तो मसला है। लॉजिक लॉजिक दे सर, लॉजिक में करेंगे फिर लॉजिक दे यार, हमारे केस में दमी नहीं है। लॉजिक दे, आपका तरीका गलत। अच्छा तुम्हारा प्लानिंग गलत होगा, प्लानिंग अदालत का वक्त कीमती होता है। जज साहब अदालत अदालत अपना डिसीजन ले रही है, अदालत का वक्त कीमती होता है। हजारों लाखों केसेस बाहर वेट कर रहे हैं यार, औरत को बोलने दो, आप लोग बोलने नहीं दे रहे औरत को। बोले आप, बोले आप, बोले हजारों करोड़ों केसेस जज साहब वेट कर रहे हैं और यहां पे सही बात टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अदालत कैसे मस्कर बनाया जा रहा है? एक मिनट भाई, बिक गई गवर्नमेंट। पहला इशू हमने डिसमिस किया, पहले बिक गई गवर्नमेंट। प्रोड्यूसर को खड़ा कर दिया मैंने वकील में, गलती मेरी हो गई। कौन कर रहा था प्लानिंग? अरे हमारा प्लानिंग गलत है। मैं खाना महंगा नहीं मंगवाता, अदालत का बताया ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। अच्छा चले, एक अच्छी बात बता दें, ये कैसे करती है? मैं क्योंकि मैं खुद अपनी नजरों में देखा है कि ये देखो जो हीरो होता है, मेरे तस्वीर वो वाली भी है मेरे पास अंदर, ये वाली मसले, ये वाली तस्वीर दिखाईगा जज साहब जिसमें फहद बैठे हुए हैं और मायरा बैठी हुई है। फहद के सामने ब्राउन राइस, मायरा के सामने बिरयानी की यम्मी प्लेट, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये पिक्चर तो आप खुद लगाई भाई, हम हीरो के साथ ये इंसाफी क्यों है? आप इतना खा के भी माशाल्लाह ऐसी, और फहद की एक बीवी है जो घर से ब्राउन राइस भेजते हैं जो कि मायरा के पास नहीं है। बीवी खतरनाक डिफेंस, इसके लिए मैं कुछ नहीं किया। और आप ये अब जेंडर अटैक कर रहे हैं, जेंडर अटैक कर रहे हैं। अगला 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 डिसमिस केस, डिसमिस केस, डिसमिस नेक्स्ट केस। 10 साल की सजा बा मुशक्कत, मुझे 10 फिल्मों से निकाल दिया, आप 10 साल भी दोगे? 10 साल ही तो है, वही तो 10 साल है आपको, 10 साल की 10 फिल्में दे चुके हैं मुझे। ओके ओके ओके, अगला सवाल, अगला मायरा खान आप पे अगला इल्जाम है कि आपने महवेश हयात का पत्ता काटा। महवेश हयात कोई दरख्त है? डेडन 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 शुगर मार दिया, एक और डेडन। वाह भाई वाह, दिस या यू अ गॉट अ हग, भाई वाह भाई वाह, क्या बात है, जीत गई लड़की, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, आप जीती हुई आई हैं। आ जाएं भाई, आ जाएं वापस, आ जाएं, बस खत्म इल्जाम, बस खत्म भाई यहां पे। अल्लाह प्लीज मुझे और इल्जाम सुनने, क्योंकि मुझे एक्चुअली इनकी दलीलें नहीं नहीं, आ जाएं भाई, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आप हार गए। हां भाई मैं, आप जीती हुई थी, आप जीती हुई आई थी, आ जाएं, आ जाएं वापस, आ जाएं। और किधर की कुर्सियां? आइए आप बैठिए, आइए आइए कुर्सियां इधर, आ जाइए प्लीज, हम लोग टेबल पे, आप तो सबसे पहले बैठे हैं, आप खतरनाक हुई नहीं, आप बैठे, खड़े होने का शौक हो रहा है इनको, थोड़ा देर खड़ा करते हैं, क्योंकि जब हम आएंगे ब्रेक से वापस तो सिर्फ ये खड़े हुए नहीं होंगे बल्कि डांस करेंगे लुटारे पे, ऐसा ही है सुना है हमने। चलो यार नाच लेंगे, क्या टेंशन है, क्या बात है, जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे एक स्टार स्टडेड कास्ट को लुटारे पे डांस करते हुए। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, 100 साल चले, रिकॉर्ड सारे तोड़ दे और आप 10 फिल्में बनाए और उसमें मुझे हीरो ले। आमीन। ओके आमीन। इतनी आसानी से आमीन नहीं बोल रहा था, भूल गया, आमीन नहीं बोला, आमीन नहीं बोला, आमीन, लेकिन भाई शुरू हो गए वो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अगर ये यहाँ पे आ ही गए हैं तो भाई कुछ डांस, कुछ झलका, कुछ कुछ दिखा के जाना पड़ेगा, ठुमका शुमका। हम बनेंगे शहजादा सलीम, ये बनेंगे अनारकली, करेंगे रक्स, प्लीज आ जाए, हमें तो आदत है, हमने तो एक गाना ऐसे पूरा किया। 10 फिल्में करनी है ना, आओ बेटा, आओ, आ जाओ, प्रूफ तो करो, आ जाओ, करो, आ जाओ, चलो, आ जाओ, चलो भाई चलो, मैं ज्वाइन कर, बड़े आए शहजादा सलीम, बस ज्वाइन है, नहीं नहीं बीच का, यही बीच है, यही बीच है, हाँ भाई ये तो पकड़ लिया। ओके भाई, हाँ तो देना पहले करना है, अब देखते रहो, पिक करो, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले भाई, 1 2 पप्पू सम्राट, आप आगे नहीं, नहीं अच्छा जी, निगा जी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी निगा जी, चले, क्या हो रहा है, तुम्हारा इम्तिहान नहीं हो रहा, मेरा इम्तिहान नहीं हो रहा। 1 2 3 4
This was fun. Bye bye. Mubarak.